फिर एक बार चुनावी सफर में बीजेपी सांसद गुर्जर की बड़ी मुश्किलें। एनआईटी फरीदाबाद स्थित पर्वतीय कॉलोनी की नाराज जनता ने वार्ड नंबर 6 के बीजेपी पार्षद सुरेंद्र अग्रवाल और बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ जमकर लगाए नारे। वार्ड नंबर 6 पार्षद सुरेंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद, वार्ड नंबर 6 पार्षद सुरेंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद, वार्ड नंबर 6 पार्षद सुरेंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद। वार्ड नंबर 6 की जनता रोड को आरएमसी रोड और सीवर की पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के न मिलने के कारण वहां की जनता ने सरकार और प्रशासन को जमकर कोसा। गौरतलब है कि गत दिनों पहले आपको दिखाया गया था कि वार्ड नंबर 40 के बीजेपी पार्षद पति ने शासन और प्रशासन की नाक के नीचे देखते ही देखते बेसमेंट सहित 6 मंजिला इमारत खड़ी कर दी थी और शासन और प्रशासन को लाखों का चूना लगा दिया था। प्रशासन आंखें बंद करके बैठा रहा। ऐसा ही एक मामला एनआईटी फरीदाबाद स्थित पर्वतीय कॉलोनी का सामने आया। वार्ड नंबर 6 के निवासियों ने एक आरटीआई के माध्यम से खुलासा किया है कि वार्ड नंबर 6 की एक गली में सीवर, पानी की लाइन और आरएमसी रोड बनाने का 24 सितंबर 2018 को 58,88,608 रुपए का टेंडर हुआ था, जिसको 23 मार्च 2019 को कार्य पूरा होना था, परंतु उपरोक्त कार्य सिर्फ कागजों में ही पूरा हुआ। अभी हाल ही की बात करें तो यहां समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार, प्रशासन और वार्ड नंबर 6 के बीजेपी पार्षद की मिलीभगत से टेंडर में पास हुए बजट को कागजों में ही खा गए। सर, हम ये रोड को बनवाना चाहते हैं, हमारे बच्चे वहाँ होती खुली है उसमें गिर रहे हैं, ये रोड को इतने परेशानी हो रही है कुछ। कौन है आपके एरिया का पार्षद? सुरेंद्र अग्रवाल है। क्या उसने अब कोई काम नहीं करवाया आपकी गली में? नहीं सर, हमारे गली में कुछ काम नहीं। आप उनसे मिले? हाँ जी। कोई शिकायत दी हो? हाँ, करी आए। जो यहाँ का मौजूदा पार्षद है सुरेंद्र अग्रवाल, और दूसरा सेट लग जाती है ललिता यादव की। जब इन्होंने ये वादा किया था कि भाई हम इसको काम को करके देंगे, और जबकि ये कागजों में, मैंने भी कई बार बात किया है जियो से, तो ये कागजों में काम कंप्लीट हो चुका है, इसका टेंडर छूटा हुआ है, पैसे आए हुए हैं। ठेकेदार से बात करो तो कहे पार्षद के पास जाओ, पार्षद से बात करो जो कि MLA के पास जाओ, मगर काम करने के लिए तैयार नहीं है। पहले भी यहाँ कई बार कई हादसे हो चुके हैं। एक बार यहाँ गाय गिर गई, इन कॉलोनी वालों ने गाय को उसको निकाला, और ये कॉलोनी वाले इकट्ठे करके कई कई बार गए हैं वहाँ पर, कई बार हादसे होने से बचे हैं। मगर जो यहाँ का पार्षद है, जो बीजेपी सरकार से है, जो मौजूदा विधायक है वो भी बीजेपी सरकार से है, सांसद भी बीजेपी सरकार का है, और स्मार्ट सिटी इसको बोलते हैं कि अब ये फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है। यहाँ लोगों के लिए ना पीने का पानी है, और सबसे बड़ी जो समस्या है कि बच्चों की जान का खतरा बना हुआ है। ये जो मैन होल खुले हुए हैं और जो ये रोड है जो कागजों में हो चुका है, वो आज तक भी कम्प्लीट नहीं किया। वहीं जब वार्ड नंबर 6 के बीजेपी पार्षद से फोन पर बात की गई, तो पार्षद ने बीजेपी सरकार की दबंगई दिखाते हुए कहा कि मुझे जनता से कोई लेना देना नहीं है और न ही मुझे जनता की वोट चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि मुझे किसी का भय नहीं, जिसको जो करना है वो कर ले। अब खुद ही सोचिए, मोदी लहर में बने पार्षद क्या जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। फरीदाबाद से गोविंदा तंवर के साथ वीना चौहान की खास रिपोर्ट।